जो पैदा हुआ है एक दिन उसका अंत भी होगा, यही कुदरत का कायदा है। विज्ञान भी नहीं मानता है कि कोई मरने के बाद फिर पैदा हो सकता है। इंसान का पुनर्जन्म भी होता है, लेकिन एक कहानी है जो विज्ञान से आंख मिलाकर खड़ी है, जिसके सामने वैज्ञानिकों के सारे तर्क बेमानी दिखाई देते हैं। ये कहानी है 96 साल के बलबीर सिंह की, जो कहते हैं कि उन्होंने मौत के बाद फिर जन्म लिया है, जो कहते हैं कि वो अपने पिछले जन्म के कातिलों को पहचानते हैं। We were in the family 10. So, the 4 year children, within 4 years, they were 4. They took it. And they died then and there. And I remained. बलबीर सिंह की मौजूदा जिंदगी और उनके पुनर्जन्म की कहानी के पन्नों में उसकी बीती जिंदगी की हकीकत छिपी है। बलबीर सिंह के मुताबिक उसकी पिछले जन्म में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बचपन से ही अपने घर वालों को ये बताया है कि वो राय बहादुर सुंदरदास हैं। वो अपने सपनों में अपना महल और अपनी हवेली को देखते थे और सुबह उठकर घर वालों से उसका जिक्र करते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उन्हें पिछले जन्म की यादें और ताजा होती चली गईं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बता दिया कि पिछले जन्म में वो अविभाजित भारत के डींगा शहर में एक बड़े कारोबारी थे। अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी थी। ब्रिटिश फौज को साजो सामान की सप्लाई का कारोबार करने वाले सुंदरदास को अंग्रेजों ने न सिर्फ राय बहादुर की उपाधि दी थी, बल्कि पाकिस्तान के डींगा शहर में आज भी उनके बनवाए हुए महल, उनके तमाम ऐतिहासिक विरासत मौजूद है, जिनका निर्माण उन्होंने खुद राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा के रूप में करवाया था। हमारी टीम ने बलबीर सिंह से उनके पूर्व जन्मों के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन 96 साल के बलबीर सिंह अब बहुत मुश्किल से कुछ शब्द ही कह पाते हैं। उन्होंने खुद को पिछले जन्म में जहर दिए जाने के बारे में बताने की कोशिश की। ये बताते थे कि इनकी जो है दो वाइफ थी, तो एक ने जो है इनको कुछ सफ़ेद कुछ ला के दिया, ये जाने लगे कहीं, तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारी बहन के यहाँ, तो वो कुछ सफ़ेद कुछ लेके आए कटोरी में और इनको दिया खाने के लिए। इन्होंने जो जैसे ही वो खाया या पिया तो वो कुछ पॉइजन था, तो वो इनकी डेथ उससे अननेचुरल डेथ हुई और बहुत अर्ली एज में हुई। आई थिंक इसीलिए जो है इनको जो है ये पुनर्जन्म हुआ है इनका, और काफ़ी इनको याद था, बल्कि इन्हें ये भी याद था, इन्होंने बताया अपनी माँ को कि आप माँ वहाँ थी, बैठी थी आके, और तब मैं आपके अंदर आया। पाकिस्तान की वर्तमान सरकार ने उन भवनों को ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा भी दिया है जो राय बहादुर सुंदरदास से संबंधित है। बलबीर सिंह का जन्म अविभाजित भारत के डींगा शहर में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में है। उनके पिता रेलवे के अधिकारी थे और इसी सिलसिले में उनका तबादला उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हो गया। रायबरेली में ही उनका परिवार बस गया, वहीं पर बलबीर सिंह का जन्म हुआ। बलबीर सिंह बचपन में एक बार परिवार के साथ पाकिस्तान के डींगा शहर में गए, जहाँ रिश्तेदारों के यहाँ किसी आयोजन में उन्हें शामिल होना था। जब शहर पहुंचे तो उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर याद आने लगी। अपने घर वालों को अपने पूर्व जन्म की हवेली दिखाई और सारी बातें बताई। ये भी बताया कि किस तरह से उनकी दूसरी पत्नी ने जहर पिलाकर उन्हें मार दिया था। सब कुछ बिल्कुल प्रूफ हो रहा है जो इन्होंने जब भी बताया, हर चीज के, ये मेरे नाम से स्कूल है, वहाँ रोड है, वहाँ पे कुएं खुदवाए हुए हैं इन्होंने, घर है, किस तरह का, ये बताते थे। ये कहते थे कि वहाँ पे एक मेरे घर में एक समर वो है साइड, एक विंटर साइड है, वो सब पूरा उस घर में, वो महल में है, उस सुंदर महल करके उसका नाम है, और वो घर बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर, और वो अभी भी है, और एक महल और इन्होंने बनवाया, वो कुछ क्या नाम है, वो बल्कि हेरिटेज प्रॉपर्टी अब अनाउंस हुई है, और वो विल बी टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम। इतना ही नहीं, उनके बताए गए घटनाक्रमों से संबंधित सभी सबूत और तस्वीरें भी लोगों को उपलब्ध हो गई,
इसके बाद बलबीर सिंह की दूसरी बेटी अमृता लांबा जो कि एक लेखिका है, उन्होंने अपने पिता के सपने और उनके पूर्व जन्म की सारी बातों को एक सच्ची कहानी के रूप में प्रकाशित करने का फैसला किया। उन्होंने खुद विशेषज्ञों की एक टीम के साथ पाकिस्तान का भ्रमण किया और खास तौर पर उस शहर का उसी हिस्से पर पहुंची जहां पर राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा रहा करते थे। अमृता लांबा और उनके साथ गए विशेषज्ञों ने हर उस बात को अपनी जांच में सही पाया जो उनके पिता अपने पूर्व जन्म की यादगार के रूप में उन्हें बताया करते थे। बाकायदा उनकी बताई गई वंशावली भी सही पाई गई और इस तरह पूर्व जन्म की एक अनोखी कहानी एक सच्ची दास्तान में बदल गई। पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में अमृता लांबा के द्वारा अपने पिता के पूर्व जन्म पर लिखी गई पुस्तक पास्ट फॉरवर्ड में ऐतिहासिक प्रमाणित तथ्यों के साथ लेखक मंडली के सामने प्रस्तुत की गई और इस पुस्तक का विमोचन हुआ।